नमस्कार, आपका वोट आपकी सरकार कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। पिछले अंक में हमने रीवा, खजुराहो और होशंगाबाद सीटों के सियासी समीकरणों के साथ यहां के मुद्दे और जनता की राय जानी थी। इस बार बैतूल, मुरैना और भिंड लोकसभा सीट का इतिहास सियासी समीकरणों के साथ जानेंगे, यहां के प्रमुख मुद्दे और जनता की समस्याएं, साथ ही डालेंगे निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर भी नजर। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैतूल हरदा हरसूद संसदीय सीट से। लोकसभा निर्वाचन 2019 में बैतूल हरदा हरसूद संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव में बैतूल संसदीय क्षेत्र से सांसद बनने के लिए यूं तो 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उइके और कांग्रेस के रामू टेकाम के बीच है। दोनों प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। बैतूल संसदीय क्षेत्र में 6 मई को वोट डाले जाएंगे। इस सीट की और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मयंक भार्गव। लोकसभा चुनाव में बैतूल संसदीय क्षेत्र से सांसद बनने के लिए यूं तो 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उइके एवं कांग्रेस के रामू टेकाम के बीच नजर आ रहा है। बैतूल संसदीय क्षेत्र के 2355 मतदान केंद्रों पर 17,34,849 मतदाता 6 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 8,95,090 पुरुष और 8,39,731 महिला तथा 28 अन्य मतदाता शामिल हैं। इस लोकसभा चुनाव में 1,28,089 मतदाता नए शामिल किए गए हैं। बैतूल जिला प्रशासन द्वारा चुनाव की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, साथ ही पारदर्शी एवं निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैतूल से मयंक भार्गव। बैतूल जिला प्रशासन द्वारा चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। बता रहे हैं खुद कलेक्टर तरुण पिथौड़े। ये बहुत मुख्य चीज़ें होती हैं, हमारा मतदान केंद्र, हमारा मतदान कर्मी और जिससे मतदान होना है वो ईवीएम। तो इन तीनों की तैयारी हमारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। मतदाता सबसे महत्वपूर्ण होता है और चूंकि मतदाता को ही मतदान करना है तो उसके लिए भी वहाँ पे मतदान केंद्र पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें उसको शेड की व्यवस्था क्योंकि धूप काफ़ी होगी, पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था, बाकी सारी व्यवस्थाएँ मतदान केंद्रों पर की गई हैं और लगातार इसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। हमारे सेक्टर अधिकारी भ्रमण करके देख रहे हैं, हमारे अन्य अधिकारियों ने भी भ्रमण करके देखा है, तो पूरी तरह से हमारी तैयारी पुख्ता है। गर्मी काफ़ी पड़ रही है, इसलिए लोगों के मन में ये एक बात रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतदान प्रतिशत कम हो। उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी पूरी मशीनरी को गियरअप किया हुआ है और उसके लिए विशेष तैयारी की हुई है। क्योंकि गर्मी है तो इसीलिए मतदान केंद्रों पर शेड और पानी की व्यवस्था की गई है। गर्मी होने के कारण हो सकता है कुछ लोग घर से ना निकलें, तो घर घर जाके लोगों को प्रेरित करने की तैयारी भी की गई है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है कि जो ज़िले से बाहर हैं, उनको ज़िले में वापस बुला के उनके द्वारा मतदान कराए जाने की तैयारियाँ भी की गई है। और इसी प्रकार से जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनके माध्यम से भी वे भी अच्छे से आकर अपना मतदान कर पाएँ, तो उनके लिए भी समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे व्हीलचेयर की व्यवस्था, जैसे वॉलंटियर की व्यवस्था, जैसे उनको घर से मतदान केंद्र तक लाने के लिए यदि किसी वाहन की आवश्यकता है तो उसकी भी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। इस लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं और प्रमुख मुद्दों के बारे में यहाँ के नागरिकों का कहना है कि बेरोजगारी और पानी की समस्या प्रमुख है। हमारे संवाददाता मयंक भार्गव ने बात की यहाँ के रहवासियों से। लोकसभा चुनाव में दो मुद्दे प्रमुख रूप से हैं जिनका निराकरण किया जाना बेहद आवश्यक है, इनके बिना लोकसभा क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा। इनमें से यदि सबसे पहले मुद्दे की बात करें तो बैतूल जिले में उद्योग धंधों का हमेशा अभाव रहा है। एक उद्योग सतपुड़ा पावर हाउस में भी इकाइयां बंद होते जा रही है, जिसकी वजह से मेन पावर वहां पर बेहद कम हो गया है और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बैतूल में एक पारसडो डैम को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी विशालकाय डैम अभी यहाँ पर नहीं बना है, जिससे कि नहरों के माध्यम से सिंचाई हो सके। जहाँ तक के बैतूल में इन स्थिति को लेकर के है, तो यहाँ पर बेरोजगारी और किसानों की जो
दुर्गति है, जो खराब स्थिति है, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब रुख करते हैं मुरैना लोकसभा सीट की ओर। मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के 18,28,660 मतदाता 2,351 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इस लोकसभा क्षेत्र में श्योपुर जिले की श्योपुर और विजयपुर तथा मुरैना जिले की सबलगढ़, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह विधानसभा सहित कुल 8 विधानसभा शामिल हैं। इनमें 9,00,000 से अधिक पुरुष और 8,38,000 से अधिक महिला तथा अन्य मतदाता शामिल है। मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस से रामनिवास रावत, भाजपा से नरेंद्र सिंह तोमर और बहुजन समाज पार्टी से करतार सिंह भड़ाना चुनावी मैदान में हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में 8 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें मुरैना जिले की 6 विधानसभाएं तथा श्योपुर जिले की 2 विधानसभाएं शामिल। इस लोकसभा क्षेत्र में 9,90,000 के लगभग पुरुष मतदाता तथा 8,38,660 महिला मतदाताओं के साथ 63 अन्य मतदाताओं सहित कुल 18,28,660 कुल मतदाता शामिल हैं। इन मतदाताओं को लोकसभा क्षेत्र के 18,28,660 मतदाताओं को 12 मई के दिन 2,351 मतदान केंद्रों पर मताधिकार का उपयोग करना है। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा अपनी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस लोकसभा चुनाव को निर्विघ्न और शांति रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा 19 कंपनियां बल मांगी गई हैं। हमारे संवाददाता ने बात की मुरैना जिले की जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रियंका दास से। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जिला मुरैना में जो है बहुत बढ़ चढ़ के मतदाता जागरूकता अभियान और स्वीप की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। पूरे कॉन्स्टिट्युएंसी में 18,28,000 वोटर हैं और हमारे जो है 2,300 से अधिक बूथ्स बनाए गए हैं, पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ में नंबर वन जो है अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, मतलब शीतल पेयजल, रैम्प, छाया और मेडिकल एड की व्यवस्था रहेगी। इस पर प्रयास ये हो रहा है कि समस्त जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, जो वोटर्स हैं, उनको जो है वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और एक बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे लोग वोट करने वाले हैं वो है फर्स्ट टाइम वोटर्स। मुरैना जिले में अकेले 46,000 से अधिक जो है प्रथम बार वोटर हैं, उनमें भी बहुत उत्साह है और वो बढ़ चढ़ के जो है इस लोकतंत्र के महात्योहार में भाग लेंगे। जो हमारा ट्रेन मुरैना रेलवे स्टेशन से गुजरती है उसमें जो है हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन पे भी प्रचार प्रसार किया है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में जो है वोटिंग का तिथि अलग है और हमारे जिले में अलग है। तो 12 मई के डेट को हम लोगों ने बार बार स्ट्रेस किया है ताकि लोगों के मन में ये बस जाए कि मुरैना जिले में जो है 12 तारीख को मतदान है और उस दिन बाहर आके वोट करना। गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर निरंतर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में मतदान अधिक से अधिक हो उसके लिए क्या सुविधा मतदान केंद्रों पर दी जाए। मैंने पहले ही बताया है इस चीज़ पे विशेष ध्यान दे रहे हैं कि हमारे जितने भी मतदान केंद्र है जहाँ पे कतार लगाई जाएगी, लाइन लगेगी, वहाँ पे छाया की व्यवस्था, उसके लिए ऑलरेडी हमारे प्रत्येक बूथों पे जो है हमारे BLOs और जो ग्राम पंचायत के सचिव GRS हैं उनके द्वारा व्यवस्था कर ली गई है। शीतल पेयजल की व्यवस्था रहेगी और क्योंकि लू काफ़ी चल रहा है, गर्मी बहुत है, इसलिए जो है जो हमारे सामान्य वोटर्स हैं उनके लिए मेडिकल किट जो है अवेलेबल रहेगा, ORS का घोल उपलब्ध रहेगा, ताकि अगर बाई चांस किसी को कोई हीट स्ट्रोक लग जाए या किसी को उस प्रकार की कोई चक्कर आके कोई बेहोश हो जाए तो उन स्थितियों से भी निपटने के लिए हमारा अमला वहाँ पे तैनात है। मुरैना जिले के मतदाता इस लोकसभा चुनाव में ऐसे प्रतिनिधि का चयन करना चाहते हैं जो रोजगार के लिए बड़ी औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ सभी तरह के मजदूरों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करा दें। हमारे संवाददाता ने बात की यहां के रहवासियों से और जाने इस बार कौन कौन से हैं चुनावी मुद्दे। किशोर गुप्ता, मोबाइल का काम है, मोबाइल फोन बेचने का। जनता के लिए सबसे बड़ी तो आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, सड़कें बहुत खराब है, सड़कों की मरम्मत होना चाहिए, सीवर लाइन का काम अधूरा पड़ा है उसको पूरा कराना चाहिए। बहुत ही छोटे दुकानदार हैं उनके लिए मार्केट की कोई व्यवस्था नहीं, उनको भी अपनी दुकानदारी करने के लिए जगह दी जानी चाहिए। सांसद वही जो हमारे काम करवा सके और क्षेत्र का विकास कर सके। संजय दीक्षित, हमको ऐसा सांसद चाहिए जो कि लोगों को रोजगार दे सके। काफ़ी दिनों से बामर इंडस्ट्री बंद पड़ी है, इसमें लोगों को रोजगार मिल सके,
उसके बाद में कैलाश का शक्कर का शुगर मिल है, वो भी काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। रामपुर में पानी की व्यवस्था नहीं है, लोगों के गांव गांव में रोड की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई व्यवस्था नहीं हो पा रही, लोगों को बिजली मिल सके जिससे उनकी सिंचाई का भी काम पूरा हो सके, पढ़ाई की व्यवस्था, लोगों को दूर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है, ऐसी काफ़ी सुविधाएँ जो कि लोगों को मिल सके। सतेंद्र सिंह, मेरी टेलर की दुकान है नानक धर्मगढ़ के नाम से। एक ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो कि चारों तरफ से विकास और जो है रोजगार के मुद्दे पैदा करे, रोजगार तैयार करवाए आम पब्लिक के लिए। अच्छे रोजगार होना चाहिए जिससे कि सभी लोग काम करें। हम जैसे मतलब मजदूर वर्ग के काम करने वाले लेबर के लिए काम की असुविधाएं, काम नहीं है ज़्यादातर करने के लिए, सभी लोगों को काम मिलना चाहिए। अब बात भिंड दतिया लोकसभा सीट की। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र दो जिला भिंड और दतिया को मिलाकर बना है। इसमें कुल 8 विधानसभा क्षेत्र अटेर, भिंड, लहार, मेहगांव, गोहद, दतिया जिले के सेवड़ा, दतिया, भांडेर शामिल हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव में भाजपा 2 और कांग्रेस 5 सीटों तथा 1 पर बसपा काबिज है। यहां कुल मतदाता 17,65,334 हैं। 12 मई को होने वाले मतदान के लिए कुल 2,171 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस सीट की और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल शर्मा। चंबल अंचल की यह सीट भाजपा का गढ़ कही जाती है। इस सीट से डॉक्टर रामलगन सिंह को छोड़कर किसी भी उम्मीदवार को मतदाताओं ने दूसरी बार नहीं चुना है। 1962 में भिंड दतिया पृथक लोकसभा क्षेत्र बना, तब से 8 बार भाजपा एवं 2 बार जनसंघ, 3 बार कांग्रेस व 1 बार लोकदल चुनाव जीती है। 2019 के लिए हो रहे लोकसभा चुनाव में कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहां भाजपा से संध्या राय, कांग्रेस से देवाशीष जरारिया व बसपा से बाबूराम जामोर व 15 अन्य निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां भाजपा, कांग्रेस, बसपा के बीच त्रिकोणी मुकाबला है। भिंड दतिया लोकसभा सीट के लिए 12 मई को मतदान होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भिंड से मैं अनिल शर्मा। भिंड जिले में चुनाव शांतिपूर्ण और अधिक से अधिक मतदान हो, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में पूरा जिला प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। यहां निजी हथियारों को थाने में जमा करा लिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी गई है। हमारे भिंड संवाददाता ने बात की यहाँ की जनता से और जानी उनकी समस्याएं। बात भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ मुख्य मुद्दा रोजगार है और यहाँ रोजगार के साधनों की कमी है। भिंड दतिया लोकसभा प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो जनता की समस्या सुने और उनका तो निराकरण भी करे। बेरोजगार युवाओं को रोजगार और वृद्ध लोगों को पेंशन, जल नल सहित स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखे। केवल देश हित में काम करने वाले स्वच्छ छवि वाले नेता का चयन करना चाहिए। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन हित सांसद मिलनसार एवं विकास के मुद्दे पर कार्य करने वाला व्यक्ति हो। आम जीवन की समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क योजनाओं पर क्रियान्वयन करने वाला व्यक्ति ही क्षेत्र का विकास कर सकता है। आपका वोट आपकी सरकार के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ग्वालियर, गुना और सागर लोकसभा सीट के दिलचस्प पहलुओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख एवं वाचन स्वर दीपा सिंह, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा और परितोष दीक्षित, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश।